मध्य प्रदेश के नौगांव में भ्रष्टाचार की जांच कराने हेतु जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं कांग्रेस की कार्यकर्ता बैठे धरने पर। नौगांव जनपद पंचायत अध्यक्ष सुधा नथू यादव द्वारा पूर्व में मुख्य कार्यपालन अधिकारी अंजना नागर नौगांव द्वारा शासन की जनहिती योजनाओं में किया गया जमकर भ्रष्टाचार की जांच करवाने के लिए SDM को ज्ञापन सौंपा था, जिस पर आज तक किसी भी प्रकार की जाँच नहीं हुई। नथू यादव ने बताया, मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत नल जल मनरेगा के तहत CC सड़क निर्माण, नाली निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्राम पंचायत द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसकी शिकायत पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नौगांव द्वारा उच्च स्तरीय कमेटी से जांच करवाई गई, जिसकी रिपोर्ट कमेटी द्वारा 25/3/2022 को सौंपी गई थी, जिसमें आज दिनांक तक दोषियों पर कार्यवाही नहीं की गई, जो जांच का विषय है। जनपद पंचायत नौगांव में भ्रष्टाचार का अंबार है। प्रधानमंत्री आवास में पात्र लोगों को जो है आवास नहीं दिए जा रहे हैं, अपात्र लोगों को जो है आवास दिए जा रहे हैं, उनका आवास प्लस में नाम भी नहीं जोड़ा गया, ये भ्रष्टाचार है। दूसरा, झींजन में नल जल योजना चल रही है 2015 से, उसका जल कर लिया जा रहा है, उसकी जाँच भी हुई, जाँच में सिद्ध पाया गया, मैडम ने आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की मुख्य पालन अधिकारी ने, और अपनी मनमानी करती है, नहीं करना है मुझे, इसलिए जो है इस पर निर्माण कार्यों की भी जांच के लिए कई बार शिकायत दी, उसका भी आज तक कोई जांच नहीं करवाई गई उसके द्वारा। मैडम के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाती। मैडम के खिलाफ ऊपर पैसा देती है, वो कहती है कि ऊपर पैसा देती हूँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। पूर्व में जहाँ पर मैडम पदस्थी, वहाँ पर भी एक ऐसा ही मामला उजागर हुआ था जिसकी जाँच चल रही थी, उसका क्या हाल है? उसका तो हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, सुनते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ भी भ्रष्टाचार किया है। जहाँ जाती हुआ भ्रष्टाचार। अच्छा, कितने दिनों तक अनशन चलेगा? अनशन तब तक चलेगा जब तक इन सब चीज़ों का निराकरण नहीं हो जाता है। पूर्व में मीडिया द्वारा भी भ्रष्टाचार की खबरों को दिखाया गया था, तब आप लोगों ने इस तरह की कार्यवाही क्यों नहीं? तो बराबर का बराबर का जो है लगातार हम जो है इसका ज्ञापन भी दिया, विरोध कर रहे हैं।